आदाब नमस्कार सत श्री अकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष मैं हूं आपका मेजबान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं प्यारे वर्ष काली नदी सब्जी मार्केट, काली नदी पुल पर सब्जी मार्केट में, और यहां पर व्यूज लेते हैं तमाम। यहां पर मध्यम परिवार के लोग यहां पर सब्जी खरीदते हैं और मिडिल परिवार में लोअर कैटेगरी के और कहीं ना कहीं मजदूर लोग भी यहां पर आते हैं। और एक यहां बेटियां हैं, बुलेश्वर की बेटियां। शुभ नाम क्या है आपका? नितिका। नीति, नाइस टाइम। नीतिका बेटा क्या कहना चाहेंगे, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है, अमृत काल चल रहा है, लास्ट ईयर भी हमने जो है बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया, बुलेश्वर जनपद वासियों ने, प्रदेश वासियों ने, देशवासियों ने, क्या कहना चाहेंगे बेटा? हिंदू मुस्लिम चारों तरफ, हिंदू मुस्लिम क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से हिंदू मुस्लिम कुछ होता नहीं है, आपस में रहें, एक साथ रहें, बस यही कहना चाहूंगी मैं, आपस में रहें, एक साथ रहें। और अगर हिंदू मुसलमान की इतनी बात है तो फिर दोस्ती ना बनाएं। भगवान मतलब जब भगवान इंसान को भेजते हैं तो ये देखते नहीं है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, इंसान बस इंसान की तरह रहे, आपस में रहे, मिलजुल के रहे। वेरी गुड बेटा, गीता में भी तो यही है कि मानव तो सर्वोपरि रहनी चाहिए। हाँ, गीता में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, गीता में तो ये है कि सबको अपने समान मानो, सबको एक समान मानो। गीता में तो ये भी लिखा गया है कि किसी के प्रति हिंसा ना करो, अहिंसा मत करो, कुछ मत करो। अच्छा, आज आप सब्जी क्या खरीदी बेटा आपने? सब्जी मैं लेने तो टमाटर आई थी, बट टमाटर इतने महंगे हैं कि मैं ले नहीं पाई। क्या बता रहे हैं, कितने रुपए किलो? 140 रुपए किलो। और क्या क्या लिया है जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। मैंने तोरई लिए जो 30 रुपए किलो, और काशीफल लिया है 30 रुपए किलो, बस यही सस्ते हैं तो यही ले लिए। तो बेटा ये 120 तो बहुत, एक जमाने के बाद में इतने 140-160 रुपए किलो बुलंदशहर जैसी जगह में, तो आम आदमी की तो रसोई से पहुंच से बाहर है। टमाटर तो खाए नहीं है, कम से कम महीना भर हो गया, टेस्ट ही भूल गए इसका तो। लेकिन बेटा एक तरफ महंगाई से मार हम लोग झेल रहे हैं, तमाम मध्यम परिवार और तमाम जो मजदूर तबका है, तो कहीं ना कहीं, और बाकी लोग सब हिंदू मुस्लिम डिबेट में लगे हुए टीवी पर, वैसे के साथ झगड़ा करो, हिंदू मुस्लिम उनको कुछ नहीं, बस उनको पब्लिसिटी चाहिए, उनके पास कुछ काम तो होता नहीं है, सड़क पे उतर आते हैं, दंगे करने लग जाते हैं, ये वो लोग करते हैं जो खाली होते हैं। और नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। नेताओं के बारे में क्या बोलूं मैं, कुछ तो बोल दो बेटा। नेताओं के बारे बेटी है बुलंदशहर की, वही है, कुछ गलत करे तब भी नेताओं पे सवाल नहीं, कुछ अच्छा करे तब नेता वाह-वाह हो जाते हैं। अगर इतने दम में तो सब्जियों के रेट कम करवाएं, पेट्रोल के रेट कम करवाएं, बहुत सारी चीजें करवाएं, लेकिन कुछ करवाते ही नहीं। गैस सिलेंडर 1100 रुपए बहुत महंगा हो गया, किसी जमाने में 300-300 के लिया करते थे, फिर 500-600-1000 इतने रेट बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, अब तो लगता है रोटी भी चूल्हे पे बनानी पड़ेगी। और सब्जी की तो बात करें तो टमाटर बिल्कुल रसोई से गायब। टमाटर तो गायब, जो टमाटर बेच रहा है वो करोड़पति बन रहा है, अभी उसने गाड़ी निकाली है, नई मर्सिडीज, बताओ एक महीने में 4 करोड़ रुपए कमा लिए टमाटर बेच के, हम जैसे को लूट लूट के कमाए। अब अमीरों का क्या है, वो तो खरीद लेते हैं, उनका क्या है, वो तो 500 रुपए किलो होगा तब भी रोज लेके जाएंगे, हम जैसे लोग थोड़ी ना ले पाएंगे। अच्छा बेटा एक आखिरी सवाल आपसे, आप बुलंदशहर की बेटी हैं, बड़े मन से और बड़ी आत्मा से आपने बातें रखी हैं सभी देशवासियों के लिए, आपने कहीं ना कहीं अपील, आप पॉजिटिव परसेप्शन में अपील भी की है कि सब भाईचारे से रहे, सभी का देश है, देश से बढ़कर कोई नहीं। बेटा ये आखिर इस पर लगाम सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है हमारी? सरकार तो खुद मिली होती है, कहीं ना कहीं सरकार कहाँ लगाएंगी, और सरकार इतने छोटे से मसलों पर गौर ही नहीं करती है। अगर लगाना वो चाहिए ना, लगाना तो बहुत हो गया, बहुत हो गया। अभी अंसारी रोड पे साक्षी बेटी ने कहा कि हम थक गए, बहुत हो गया, हिंदू मुस्लिम टीवी पे डिबेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव लोग इसका गलत फायदा उठाकर वो दंगे कर बैठते हैं। सरकार को सोचना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, बट सरकार कहाँ ध्यान देगी हम पे। और कुछ कोई अपील भाईचारे के लिए 15 अगस्त पे कोई पैगाम बेटा? 15 अगस्त पे पैगाम बस, सब मिलजुल के रहो, एक साथ रहो, प्यार से रहो। अरे वाह, मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो, एकजुटता के साथ रहो, एकता के साथ रहो, ये है बुलंदशहर की बेटी के जज्बात। तो हम आशा उम्मीद करेंगे सभी लोग प्रेम और हर्ष उल्लास के साथ में स्वतंत्र दिवस मनाएं और प्यार मोहब्बत से रहें, देश सभी का है, देश सर्वोपरि रहना चाहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।